उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतरनिया घाट के निशानगाड़ा रेंज के आजमगढ़ पुरवा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग उमाशंकर घर के पास में ही स्थित खेत में शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पास में स्थित गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में उनके माथे और नाक पर गंभीर चोट आई है। बुजुर्ग के शोर मचाने पर उसका बेटा पुरुषोत्तम भी आ गया। बेटे और बुजुर्ग ने तेंदुए से संघर्ष कर अपनी जान बचाई। बुजुर्ग उमाशंकर के पुत्र पुरुषोत्तम ने बताया कि तेंदुए को शोर मचाकर भगाया गया तो तेंदुआ गन्ने के खेत में भाग गया। मामले की सूचना तत्काल वन कर्मियों को दी गई। वन क्षेत्राधिकारी निशानगाड़ा रेंज ने तत्काल मौके पर कारीकोट चौकी से बाचर पंकज यादव को घायल बुजुर्ग के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली भेजा, जहां प्राथमिक उपचार करने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।